फिल्म की शुरुआत सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल शिप से होती है, जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए अंतरिक्ष के चक्कर काट रहा होता है, जिस पर कैप्टन एजे, मेडिकल ऑफिसर काइला, को पायलट निक, मेडिकल टेक्नीशियन यर्जी, उसकी गर्लफ्रेंड एक पैरामेडिक एक्सपर्ट डेनिका, टेक्नीशियन बेंजामिन और एक रोबोट सवार होते हैं, क्योंकि ये 20वीं सदी है जब इंसान ने कई प्लैनेट्स पर अपना बेस बना रखा है और आज इंसान ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। उनके दिन का शुरुआत होता ही है कि उन्हें एक ब्लू मून एके जायंट ब्लू के अबैंडन्ड माइनिंग ऑपरेशन से डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव होता है। हैरानी वाली बात ये कि उस जायंट ब्लू प्लैनेट पर स्थित माइनिंग ऑपरेशन को 5 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, जब वो अपने सूरज के गुरुत्वाकर्षण फोर्स में खींचा जाने लगा था। पर कैप्टन बिना समय गवाए 3000 लाइट ईयर से भी अधिक दूर, जहां पहुंचने के लिए उन्हें रिस्की डायमेंशनल जंप का प्रयोग करना होगा, सभी डायमेंशनल स्टेबलाइजेशन चेंबर से सफर करने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने लगते हैं, क्योंकि सफर के दौरान स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उनका शरीर भी एटम्स में डिसइंटीग्रेट होकर ट्रैवल करेगा, और यदि चेंबर में कुछ भी गड़बड़ घटा तो उनका शरीर अमीबा की तरह पिघलकर कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। फिर भी रिस्क लेकर अब शिप प्लाज्मा एक्सीलरेशन के मदद से लाइट से भी अधिक की तेजी पकड़कर वॉर्म होल में घुस जाता है। पर जैसे जैसे उनका शिप वॉर्म होल से गुजर रहा होता है, हमें कुछ अलग ही फ्लैशेस नजर आते हैं, जो क्या है हमें एंड में समझेगा, और इवेंचुअली उनका शिप सही सलामत टारगेटेड लोकेशन पहुंच जाता है। पर एक बुरी खबर कि कैप्टन का चेंबर मैल फंक्शन होने के कारण उनका वही हालत हुआ जिनका उन्हें डर था। उनकी परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाती कि उन्हें बचाना भी मुश्किल नजर आने लगता है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उनका शिप ब्लू जायंट के इर्द-गिर्द घूमते मलबे से टकराकर शिप को भारी नुकसान पहुंचता है, और अब वो अनकंट्रोल फैशन में धरती के सूर्य से भी 10 गुना अधिक ताकतवर ब्लू जायंट के गुरुत्वाकर्षण में खींचा जाने लगता है। उनका सबसे बुरा सपना कि शिप को चोट लग जाने के कारण अब उनके पास उतनी पावर भी नहीं होती उसके गुरुत्वाकर्षण से बच निकलने के लिए। पर निक अपने इमरजेंसी पावर को यूज करके कैसे तो शिप को बचा ही लेता है, पर कैप्टन की जान नहीं बच पाती। ऊपर से और भी बुरी खबर कि शिप को बचाने के चक्कर में उन्होंने 80% से भी ज्यादा पावर को खो दिया, जो रिटर्न लौटने के लिए डायमेंशन जंप के लिए कम है, जिसे रिचार्ज होने में 7 घंटे और 22 मिनट लगेंगे। पर ठीक 7 घंटे और 1 मिनट बाद उनका शिप ब्लू जायंट के सोलार गुरुत्वाकर्षण में खींच लिया जाएगा, यानी कि रिचार्ज होते ही उनके पास सिर्फ 11 मिनट का विंडो होगा जंप करने के लिए। उनकी मुसीबतें कम नहीं होती कि अब उनके तरफ ब्लू जायंट से एक ट्रांसपोर्ट शटल उनके तरफ बढ़ने लगता है, जो रिकॉर्ड के अनुसार उसमें कायला का हस्बैंड काल सवार है, जिससे कायला ने तलाक ले लिया था उसके नशेड़े लत के कारण। पर शिप के डॉक करने पर कोई और ही निकलता है। उसकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद कायला हैरान करने वाली खोज करती है कि उसका शरीर रहस्यमय कारण से अपने आप स्ट्रांग होते जा रहा है और उसमें अपने आप हील होने की कैपेबिलिटी भी है। उसके शिप की जांच करने के बाद उन्हें एक और बड़ी खोज हाथ लगती है, जहां उन्हें एक अद्भुत ग्लोइंग एनर्जी क्यूब बरामद होता है, जिसकी सम्मोहित शक्ति में यर्जी खींचा चला जाता है, जिसे छूने पर वो अलग ही शक्ति अपने शरीर में दौड़ते महसूस करता है। होश में आने पर उसका मेडिकल चेकअप करते दौरान वो खुद को उसके पति काल का बेटा ट्रॉय बताता है। ऊपर से अजीब कारण से कायला से ऐसी बातें करता है जैसे वो उसे पर्सनली जानता हो। वो बार बार उसके पिता की बातें छेड़ता है कि वो कैसे अपने मौत से पहले बहुत शर्मिंदा थे जिस तरह उन्होंने उसे ट्रीट किया। उससे पूछताछ करने पर वो रिवील करता है कि वो ट्रेजर हंटर है जिसने माइनिंग ऑपरेशन का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया था कि उन्हें खुदाई के दौरान कोई तो अद्भुत चीज हाथ लगी, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ उसके खोज में ब्लू जायंट पहुंचा। पर उनके पहुंचने तक एक भी माइनर उसे नजर नहीं आए। कई दिन तक उस अद्भुत वस्तु की खोज करने के बाद भी उन्हें कुछ न मिलने पर उसके दोस्त चले गए और उसने पीछे रहकर अपनी खोज जारी रखी, जिसे अंत में उसने ढूंढी निकाला, जो शायद ब्लू जायंट प्लैनेट के समय से भी पुराना है, जिसकी कीमत मार्केट में अनगिनत है। वो उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि वो इसे बेचकर वो सभी को बराबर का हिस्सा देगा यदि वो अथॉरिटीज को इसके बारे में खबर नहीं करेंगे तो। पर इससे निक का दिमाग चमक जाता है कि उसके खातिर उनके कैप्टन ने जान गंवाई ऐसे चीज के लिए जिसके बारे में उन्हें कोई आइडिया तक नहीं है। पर जिस तरह से उसका शरीर बिहेव कर रहा है और वो जिस तरह का एनर्जी क्यूब नजर आ रहा है, वो उसी निर्णय पर पहुंचता है कि ये जरूर एलियन आर्टिफैक्ट है, जिसे किसी ठोस कारण से ही एलियंस ने इसे जमीन के नीचे सबके पहुंच से दूर छिपा दिया। इसलिए निक एलियन आर्टिफैक्ट को क्वारंटीन में एनालिसिस करने के लिए अपने कब्जे में ले लेता है, जो बात ट्रॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके तुरंत बाद निक ट्रॉय के ट्रांसपोर्ट शटल से माइनिंग बेस जाने का तय करता है, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें फ्यूल मिल जाए डायमेंशन जंप के लिए।
और पहली बार ब्लू जायंट के गुरुत्वाकर्षण को इतने करीब से अनुभव करता है। उसका शटल भी ब्लू जायंट के फोर्स में खींचा जाने वाला होता है, पर वो कैसे तो उसे कंट्रोल करते हुए बेस स्टेशन लैंड करने में सफल हो जाता है। पर वही कंप्यूटर एलियन आर्टिफैक्ट को एनालाइज करने में सफल हो जाता है, जिसे जानने के बाद अब उनके होश उड़ जाते हैं कि उस थ्री डायमेंशनल मैटर के भीतर नाइन्थ डायमेंशनल मैटर छिपा है। सिंस हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है और उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए इसे लाइफ के उन्हीं आवश्यक एलिमेंट को फिर से पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया। पर कैच ये है कि इससे एग्जिस्टिंग लाइफ नष्ट होकर वो नए लाइफ को जन्म देगा, यानी कि इन शॉर्ट ये एक टिकिंग बॉम्ब है। कायला को अब डार्विन का थियरी चमकता है कि आखिर इसे क्यों क्रिएट किया गया, क्योंकि यदि कोई स्पीसीज इसे इतने ब्रह्मांड वर्ष दूर खोज निकाल सकता है तो वो स्पीसीज जाहिर तौर पर एक डेवलप्ड स्पीसीज होगा, जो इस केस में इंसान है। जिसने भी इसे क्रिएट किया उसका इरादा यूनिवर्स में एडवांस स्पीसीज को कॉम्पिटिशन से खत्म करने का है। यदि ये उनके यूनिवर्स पहुंचा तो इसके विस्फोट में उनका सूरज सुपरनोवा एक्सप्लोजन में पूरी की पूरी यूनिवर्स पिघल जाएगी। यजी को भी अचानक में इतना एनर्जाइज देखने के बाद कायला इस गुत्थी को भी सुलझा लेती कि ट्रॉय के पास वो सुपर स्ट्रेंथ उसी एलियन आर्टिफैक्ट से मिला और ये इंसान के शरीर को यंग भी बनाता है। इस तरह फ्यूल के खोज में अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम पहुंचने पर निक को कई लाशें नजर आती है, जबकि प्लैनेट के अनस्टेबल होने के बाद सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था। फिर तभी ट्रॉय कंट्रोल रूम हाईजैक करके सब रिवील करता है कि उसी ने खुद के दोस्तों की जान ली एलियन आर्टिफैक्ट को अकेले हासिल करने के लिए, जिस मुठभेड़ में उसका शिप नष्ट हो गया और अब उसका प्लान उन्हें भी रास्ते से हटाने का है। इसलिए सारे कंस्ट्रक्शन मशीन्स को रिमोटली एक्टिवेट करके वो निक को सबसे पहला शिकार बनाता है। निक के किसी तरह बच निकलने पर भी वो उसकी एकमात्र शिप को स्पेस में इजेक्ट कर देता है और अब निक हमेशा के लिए वहीं फंस जाता है। डेनिका के उसे रंगे हाथ पकड़ने पर वो उसे भी स्पेस में इजेक्ट कर देता है और अब अगला शिकार वो यजी के पीछे लग जाता है। बेचारा यजी कितना भी हमला कर ले उसे खरोंच तक नहीं आती, पर ट्रॉय उसे एक ही वार में ढेर करके उसे भी उसके गर्लफ्रेंड के पास भेज देता है। अब बेंजामिन और कायला को ट्रैक करने के बाद वो फाइनली रिवील करता है कि वो काल का बेटा ट्रॉय नहीं बल्कि वो खुद उसका पति काल है, जो एलियन के उसी आर्टिफैक्ट की मदद से जवान हो गया। इससे पहले कि वो उसका शिकार बने बेंजामिन उसे हार्पून से घायल करके दोनों भाग निकलते हैं, पर इतने गंभीर चोट के बाद भी काल का कुछ नहीं बिगड़ता और बदले के आग में बेंजामिन को भी रास्ते से हटा देता है। कायला को ट्रैक करने के बाद वो उससे उनके रिलेशन के लिए एक और आखिरी मौका का विनती करता है, पर काल के लिए बुरी खबर कि निक माइनिंग ऑपरेशन में पड़े मेडिकल शटल की मदद से उनके शिप की तरफ बढ़ रहा होता है और इस मौके का फायदा उठाकर कायला उसे ब्लाइंड करके भाग निकलती है। पर काल अब एकदम तिलमिलाया निक के डॉग करते ही दोनों में अब खूनी हाथापाई शुरू हो जाती है, पर म्यूटेटेड काल के सामने निक कमजोर नजर आता है पर अपने स्पेस सूट के कटर टूल की मदद से उसका एक हाथ अलग करके उसे टेम्पररीली एक लॉकर में कैद करके भाग निकलते हैं। पर काल आजाद होने के बाद अपने हाथ को फिर से जोड़कर दोनों बचकर भाग ना निकले इसलिए खुद के लिए एक डीएसयू पॉट छोड़कर बाकी सभी को नष्ट कर देता है। यहाँ दोनों को समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक काल को नहीं रोक पाएंगे, पर उनका भाग है कि शिप पूरी तरह से रिचार्ज हो गया होता है और कुछ ही मिनट्स में जंप ट्रिगर होने वाला है। इसलिए सबसे पहले काल को ठिकाने लगाने के लिए उसे रोबोट की मदद से लूर करके एलियन आर्टिफैक्ट के साथ विस्फोट में फाइनली उसका काम तमाम कर देता है। पर उन्हें जल्दी एक और बुरी खबर मिलती है कि उनके पास सिर्फ एक ही डीएसयू पॉट है जिसमें सिर्फ एक ही ट्रैवल कर सकता है, वरना दो के एक ही पॉट में ट्रैवल करने पर उनका शरीर जेनेटिकली मर्ज हो सकता है। वहीं कंप्यूटर भी उन्हें आगाह करता है कि एलियन आर्टिफैक्ट ब्लू जायंट के सन के तरफ शूट हो गया, जो उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से रिएक्ट करने के बाद जल्दी 9 डायमेंशनल सुपरनोवा ट्रिगर होगा, जो सभी डायरेक्शन में फैलते हुए अनुमान के हिसाब से 51 साल में धरती तक पहुंच जाएगा। कंप्यूटर ये अंदाजा लगाता है कि या तो उस विस्फोट में पूरा मैनकाइंड लुप्त हो जाएगा या काल की तरह एक नया म्यूटेंट जन्म लेगा। उनके पास ये सब सोचने का समय नहीं होता इसलिए एक ही पॉट में बसर करके सुपरनोवा ट्रिगर होने से पहले डायमेंशनल जंप की मदद से अपने यूनिवर्स लौट आते हैं और भाग से उनका शरीर भी जेनेटिकली मर्ज नहीं हुआ, सिवाय दोनों की एक आंखें जेनेटिकली अदल बदल हो जाती है। और तभी कंप्यूटर भी उन्हें एक खबर देता है कि उसके एनालिसिस के अनुसार कायला अब प्रेग्नेंट है, जो शायद जेनेटिक मिक्सचर के कारण हुआ होगा। और ये फिल्म इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ही खत्म हो जाती है। कोई आइडिया नहीं कि 21 साल बाद आखिर क्या होगा जब वो सुपरनोवा धरती को हिट करेगा। वहीं हमें अब पता चलता है कि पहले डायमेंशनल जंप के दौरान वो फ्लैशेस उनका भविष्य में होने वाला घटना था, जो नजर आए क्योंकि वो वर्म होल के थ्रू गुजर रहे थे, जहां भूतकाल वर्तमान और भविष्य बसर करता है। वहीं यदि आपको इसी तरह की एक और बेहतरीन मूवी देख
देखनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।